सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं न्यू वीडियो के साथ आप लोग के सामने आ चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ब्लू मेकअप लुक। एंड आपको मुझे पता है बहुत पसंद आएगा, क्योंकि कोई भी पार्टी हो थोड़ा डिफरेंट लुक रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड खुशी भी आती होती है। तो फ्रेंड्स, ये मेकअप लुक जो है आप किसी भी फेस्टिवल पर कर सकते हो, या फिर आप कहीं शादी में जाते हो तो भी कर सकते हो, आप कहीं पार्टी में जाते हो तो भी कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। एंड वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेन टेन तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है रोज़ वाटर एंड उसे अपने फेस पर स्प्रे कर लिया है। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, इसे मैं अच्छे से एब्जॉर्ब करा देना है। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र को हमें अपने फेस पर लगा करके उसे अच्छे से राउंड राउंड करते हुए एकदम एब्जॉर्ब करा लेना है। एंड आप देख सकते हो मैंने लिया है मॉइस्चराइज़र एंड इसे अच्छे से राउंड करते हुए अच्छे से एब्जॉर्ब करा दे रही हूँ। एंड तो फ्रेंड्स, मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लिया है। एंड इसी वास्ते फ्रेंड्स, मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर। एंड प्राइमर को अपने फेस के अकॉर्डिंग, जैसा आपका फेस है उस हिसाब से आपको अपने प्राइमर अप्लाई कर लेना है। एंड उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो फ्रेंड्स, तो आपने फेस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करना है, वरना आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कलर करेक्टर, बिकॉज मुझे डार्क सर्कल हो गए हैं, सो मैं इसे हाइड कर रही हूँ कलर करेक्टर से। आप कंसीलर का भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं पहले कलर करेक्टर यूज़ करूँगी एंड उसके बाद से मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। एंड पहले मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद से मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं अप्लाई कर रही हूँ अब कंसीलर। एंड जो भी पार्ट मुझे हाईलाइट करना है, मैं वहाँ भी कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी। एंड मुझे पिगमेंटेशन है, सो मैं अपने लिप्स के अराउंड भी कंसीलर को अप्लाई कर लेती हूँ। एंड मुझे आई मेकअप करना है, सो मैं अपने आईलिड्स पर भी कंसीलर अप्लाई कर लेती हूँ फ्रेंड्स। एंड उसके बाद से अच्छे से इसे ब्लेंड कर लेना है। एंड उसके बाद से अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। तो पहले मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। सो मैंने दो शेड का फाउंडेशन अप्लाई किया है, क्योंकि मेरी जो स्किन टोन है वो मीडियम है, सो मैं डार्क और लाइट शेड का फाउंडेशन मिक्स करके दोनों को अच्छे से एक साथ मैंने मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर लिया। एंड उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ। ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, सो मैं डायरेक्टली ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेती हूँ। आप चाहो तो ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, ब्रश से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बट मैं ब्लेंडर से अच्छे से, ब्रश से भी ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो मैं ब्लेंडर का ही यूज़ करके मेकअप को अपने ब्लेंड करती हूँ। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं अप्लाई करूँगी लूज पाउडर, अपने मेकअप को अच्छे से सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो, जब तक हम पाउडर से अपने मेकअप को सेट नहीं करते हैं, तब तक हमारा मेकअप सेट नहीं होता है। तो हमें मेकअप को, चाहे समर हो या विंटर हो, हमें अच्छे से मेकअप को सेट कर देना चाहिए पाउडर के हाथ से। आप चाहो तो कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो लूज़ पाउडर का यूज़ कर सकते हो। तो मैं, आप देख सकते हो, अच्छे से अपने मेकअप को सेट कर लिया है। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स, मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी। तो आई मेकअप को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आईब्रोज को ब्रश कर रही हूँ। एंड दोनों आईब्रो को अच्छे से ब्रश करने के बाद से मैं आई मेकअप स्टार्ट करूँगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे दोनों आईब्रोज एक शेप के हो गए हैं। एंड अच्छे से मैंने आईब्रो को ब्रश कर लिया। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, मैं आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ पिंक कलर का आई शेडो। एंड मैं अपने दोनों आईलिड्स पर पिंक कलर का आई शेडो अप्लाई कर लिया है। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स, मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर।
तो इसके कट क्रीज करने के लिए मैं कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ एंड दोनों आईज पर मैं कट क्रीज कर लूँगी कंसीलर की हेल्प। एंड इसके बाद से फ्रेंड्स मैं कट क्रीज के ऊपर से मैं ब्लू कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी तो अच्छे से पकड़ लेगा एंड काफ़ी अच्छा भी लगता है कट क्रीज करो तो मुझे कट क्रीज करना तो बहुत पसंद है तो मैं कट क्रीज की हूँ एंड उसके बाद से मैं ब्लू कलर का आई शेडो लगाऊंगी एंड उसके बाद से फ्रेंड आप देख सकते हो मैं ब्लू कलर का आई शेडो कैसे लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अच्छे से आई शेडो को भी अप्लाई कर लिया एंड उसके बाद से मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ एंड आप देख सकते हो दोनों आईलिड्स पर बस मैंने ग्लिटर को अप्लाई किया है एंड काफ़ी अच्छा लगता है, शिमरी लुक रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स मैं अप्लाई कर रही हूँ वाइट काजल एंड ब्लैक काजल उतना अच्छा नहीं लगता सो मैंने वाइट काजल अप्लाई किया है एंड उसके बाद से मैंने स्मच करने के लिए नीचे से ब्लैक काजल को भी अप्लाई किया है एंड ब्लू आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, मुझे बहुत प्यारा लगा एंड मैं न्यू लाई हूँ इसको तो मैं सोची कि मैं ब्लू मेकअप करती हूँ एंड ब्लू कलर का आईलाइनर भी अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है एंड आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि कितनी प्यारी लग रही है आई मेकअप। तो फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा सा शार्प बनाने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी प्यारा लग रहा था मैंने जब शार्प किया तो। एंड उसके बाद से फ्रेंड्स मैं अप्लाई कर रही हूँ कंटूर, आपको जहाँ भी कंटूर करना है अपने नोज़ पर अपने चीक्स पर कंटूर कर सकते हो, चिन पर भी कर सकते हो, आपको जिस भी पार्ट पर करना है करके वो आप अच्छे से उसे ब्लेंड कर देना एंड उसके बाद से भी हाईलाइट कर देना तो काफ़ी अच्छे से उभर कर आता है, हमारा कंटूर भी अच्छा लगता है एंड जो पार्ट हाईलाइट करने होते हैं हमें काफ़ी अच्छे से उभर जाता है। तो फ्रेंड्स मैं कंटूर करने के बाद से फिर से हाईलाइट कर दूँगी, तो हाईलाइट करने के लिए मैंने कंसीलर का यूज़ किया है एंड पहले मैं नोज़ को हाईलाइट करूँगी एंड उसके बाद से मैं चीक्स को एंड उसके बाद से मैं इसे अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी फ्रेंड्स। एंड आप देख सकते हो अच्छे से मेरा कंटूरिंग एंड हाइलाइटिंग हो गया है एंड उसके बाद से फ्रेंड्स मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश एंड ब्लश को अच्छे से अपने चीक्स पर अप्लाई कर। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट मेरा पूरा मेकअप फिनिश हो चुका है एंड मैं हाईलाइट कर रही हूँ एंड हाइलाइटर को अप्लाई करने के बाद से इसे फिर से मैं ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी एंड मेरा मेकअप पूरा समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट ग्लैम लुक आ रहा है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, नमस्ते।